हेलो फ्यूजोसी, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोसी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए थाई बीएल ड्रामा स्टार इन माय माइंड के एपिसोड 5 का पार्ट 2 लेकर आई। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी को शॉन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। निया और टाइफून को साथ में आता देख माइटी और शॉन उन दोनों से मजाक करते हैं कि जब से वो लोग बीच से वापस आए हैं, निया और टाइफून एक दूसरे की साइड को छोड़ ही नहीं रहे हैं। माइटी निया से कहता है कि कहीं वो यूनिवर्सिटी फ्रेशी बॉय यानी टाइफून को पसंद तो नहीं करने लगा है। निया तो इस बात से इनकार कर देता है, पर टाइफून कहता है कि वो लोग तो बस एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर निया अपनी शक्लें बनाता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते कि तभी किलेन जिया और अपने दोस्त नियोल के साथ वहाँ आता है। माइटी सबको बताता है कि आखिरकार किलेन अपनी गर्लफ्रेंड को उनके सामने लेकर आ ही गया। किलेन और जिया को साथ में आता देख निया का मूड खराब हो जाता है। वो लोग टेबल पर जाते हैं, जिया भी उनके साथ ही जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड अभी तक आई नहीं होती है। माइटी किलेन को जिया से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है, इसलिए किलेन जिया को एका करके सभी से मिलवाता है और किलेन सभी से जिया को अपनी बहुत अच्छी दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। पर माइटी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। अपने दोस्त का मैसेज आने पर जिया सभी को बाय बोलकर और किलेन को उसका इंतजार ना करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही माइटी आखिरकार किलेन से पूछ ही लेता है कि वो जिया के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं। किलेन कहता है कि इस सवाल का जवाब उसने पहले ही दे दिया, पर शॉन कहता है कि उसका जवाब क्लियर नहीं था, जिया सिर्फ दोस्त है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है। निया ये सारी चीजें सुन नहीं पाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर टाइफून उसे पीना बंद करने के लिए कहता है, पर निया कहता है कि वो ठीक है। किलेन का दोस्त नियोल किलेन और जिया के रिलेशनशिप स्टेटस को क्लियर करने की कोशिश करता है, पर किलेन बीच में ही बात को काट देता है और नियोल को कुछ भी बोलने नहीं देता है। नियोल भी अब हार मानकर थक चुका होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। शॉन किलेन से कहता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल मिस्ट्री से भरी हुई है, वो टाइफून से बिल्कुल अलग है। अगर टाइफून किसी को पाने की कोशिश करता है तो वो उस बात को सबके सामने एडमिट भी करता है। जिस पर टाइफून किलेन को ताना देते हुए कहता है कि वो एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान को पसंद करता है और उसे पाने की कोशिश करता है, ना कि वो किलेन की तरह है। नियोल किलेन को डिफेंड करते हुए कहता है कि किलेन भी एक समय पर एक ही इंसान से प्यार करता है। इस बार माइटी निया से पूछता है कि वो एक समय में कितने लोगों को पसंद करता है, पर निया कुछ बोले बिना ही बाहर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो इस सवाल का जवाब दे ही देता है कि वो भी एक समय में एक ही इंसान से प्यार करता है। किसी नए इंसान से प्यार करने से पहले वो अपने पुराने प्यार को भूल जाते हैं। निया ये बात किलेन को देखकर बोलता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। टाइफून भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है और उसे पूछता है कि वो बाहर अकेले क्यों आ गया। निया कहता है कि वो बाहर फ्रेश हवा खाने के लिए आया है क्योंकि अंदर की लाइट से उसका सर दर्द कर रहा है। पर टाइफून को ये बात समझ में आ जाता है कि निया को लाइट से नहीं बल्कि किसी खास इंसान की वजह से सर में दर्द हो रहा है। निया को समझ में नहीं आता है कि टाइफून कहना क्या चाहता है। आगे टाइफून निया से पूछता है कि निया जो अंदर पुराने प्यार और नए प्यार के बारे में बोल रहा था, क्या टाइफून भी उसमें से कोई भी प्यार का हिस्सा है। निया इस बात का तो सीधे सीधे कोई जवाब नहीं देता है, बस इतना कहता है कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे लोगों को रिजेक्ट करने से डर लगता है। जिस पर टाइफून कहता है कि निया उसे रिजेक्ट करे या ना करे, पर उसे फिर भी लगता है कि उसके पास अभी भी निया के दिल को जीतने का चांस है। आगे वो निया से पूछता है कि क्या वो अपने पुराने प्यार को भुला नहीं सकता है, जिस पर निया कहता है कि वो कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माइटी और नियोल अपने घर जा चुके होते हैं और निया पूरे नशे में होता है। किलेन के वहाँ आने पर शॉन उसे नियोल के घर जाने वाली बात बताता है। निया को टाइफून के कंधे पर सर रखता हुआ देखकर किलेन शॉन को पार्टी यहीं खत्म करने के लिए कहता है। शॉन ये बात मान जाता है और निया को उठाने की कोशिश करता है, पर निया उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसलिए टाइफून निया को उठाने के लिए उससे मजाक में अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और अगर निया अभी नहीं उठता है तो उसका जवाब वो हाँ समझेगा। ये सुनकर निया तुरंत अपनी आंखें खोलता है और किलेन भी गुस्से में खड़ा हो जाता है। शॉन टाइफून को समझाता है कि उसे ऐसी बात मजाक में नहीं बोलनी चाहिए। फिर निया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है, किलेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये देखकर टाइफून भी उनके पीछे जाने वाला होता है, पर शॉन उसे रोक देता है। टाइफून को लगता है कि शॉन ने किलेन का साथ देने के लिए उसे उनके पीछे जाने से रोका, जिस पर शॉन कहता है कि वो किसी की साइड नहीं ले रहा है। लेकिन टाइफून भी ये चीज देख पा रहा है कि किलेन
और निया के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। निया अपना हाथ धो रहा होता है जब किलेन वहाँ आता है और निया को किस करने की कोशिश करता है। निया उसे गुस्से में किस करने से रोकता है और बोलता है कि वो अभी नशे में है, लेकिन निया कहता है कि वो नशे में नहीं है और वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है। इस बार निया गुस्से में किलेन पर चिल्लाकर कहता है कि उसकी फीलिंग्स कोई खिलौना नहीं है जिसे वो जब चाहे खेले। ये सुनकर किलेन निया को गले लगा लेता है और बोलता है कि वो जेलस है। निया उसे खुद से दूर करके बोलता है कि उसे जेलस होने का कोई भी हक नहीं है, जिस पर किलेन कहता है कि उसे ये हक निया ने खुद दिया था। वो फिर से निया को किस करने लगता है। दोबारा किलेन को खुद से दूर करके निया गुस्से में बोलता है कि उसने उसे ये हक पहले दिया करता था, पर किलेन के लिए कभी भी ये चीज़ें मायने नहीं रखती थी। तभी शॉन उनको बुलाने के लिए आ जाता है। निया अपना चेहरा धोकर बाहर जाने लगता ही है कि किलेन उससे माफ़ी मांगता है। निया उसे ये सब भूल जाने के लिए कहता है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। शॉन निया को बाहर जाकर उसका वेट करने के लिए कहता है। किलेन भी वहाँ से जाने वाला होता है कि शॉन उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या उसने और जिया ने निया की वजह से एक दूसरे से ब्रेकअप किया था। वो जानता है कि निया के दिल में वो है और उसके दिल में भी निया है, लेकिन अगर जिया उसकी सच में गर्लफ्रेंड है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है, खुद के साथ भी और निया के साथ भी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया और किलेन सच में पहले रिलेशनशिप में थे और वो जिया से ब्रेकअप कर लेता है। जिया रो रो कर उससे ब्रेकअप की वजह पूछती है। किलेन कहता है कि उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे को दोस्त से ज़्यादा प्यार नहीं किया है, उन लोगों को बस एक दूसरे के साथ की आदत थी। किलेन जिया से माफ़ी मांगता है। जिया कहती है कि अगर उनके बीच में वो सब प्यार नहीं था तो वो क्या था। किलेन को आखिर इसका एहसास आज ही क्यों हो रहा है, जिस पर किलेन कहता है कि उसे आज से पहले पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है, लेकिन अब वो जानता है कि सच्चा प्यार होता क्या है। आगे वो कहता है कि जिस दिन जिया भी सही इंसान से मिलेगी तो वो भी समझ जाएगी कि सच्चा प्यार कहते किसे। इतना कहकर वो जिया को फिर से गले लगा लेता है और उससे माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हम सभी को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं। टाइफून को नशे में देख कर शॉन उसे अपनी कार यहीं छोड़कर टैक्सी से घर जाने के लिए कहता है, पर टाइफून निया को घर छोड़ने की जिद करता है। तभी शॉन को दो टैक्सी आता देखता है। वो पहले टैक्सी में टाइफून को जबरदस्ती बैठाकर घर भेज देता है। दूसरे टैक्सी में निया बैठने ही वाला होता है पर शॉन उसे रोक देता है और किलेन के साथ पहले अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है। फिर शॉन भी अपने घर चला जाता है। निया गुस्से में किलेन से पूछता है कि आखिर वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, जिस पर किलेन कहता है कि शायद निया को लगता होगा कि वो हर चीज़ में स्मार्ट है, पर उसे ये बात जाननी होगी कि प्यार के मामले में उसे कुछ भी नहीं पता, इस मामले में वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इतना कि उसे से भी नफरत होने लगी है। किलेन की बातों से फ्रस्ट्रेट होकर निया कहता है कि उसने ही उसे टाइफून को एक मौका देने के लिए कहा था और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। जब वो फाइनली उसकी लाइफ से दूर जा रहा है तो वो क्यों उसके लाइफ में बार बार वापस आने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये सब मज़ेदार नहीं है। किलेन भी अपने आँखों में आंसू लिए निया से कहता है कि ये सब होता देख उसे भी मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए निया किलेन से पूछता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है, वो उसे चाहता क्या है। निया किलेन को साफ साफ बताने के लिए कहता है कि किलेन के दिल में वो है या नहीं। किलेन निया को किस करके अपना जवाब देता है कि उसके दिल में क्या है, और एपिसोड 5 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।